गुड मॉर्निंग स्टॉक 2020 के थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। इंपॉर्टेंट दिन हमारे सामने खड़ा हुआ है। आज हमें वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की तैयारी करनी है। नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के साथ कई सारे बदलाव होने हैं, उसको पचाना है। ध्यान रखें साथ साथ आज एक एनुअल बैंक हॉलीडे है, 1 अप्रैल को होती है छुट्टी होती है बैंक्स की, तो एक बैंकिंग हॉलीडे के लिए आप ट्रेडर्स को उसकी भी तैयारी रखनी है। और इस बीच जो पिच है जिस पर आज का मुकाबला होना है वो क्विकली पिच आप लोग की स्क्रीन पर आ जाएगी। अमेरिकन मार्केट्स में मिला जुला ट्रेड था, लेकिन नैसडैक अगर देखेंगे तो अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला। डाउ थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ, पर ये डाउ और S&P अपने रिकॉर्ड हाईज के आसपास हैं। शायद नैसडैक रह के वो कैचअप रैली प्ले आउट करता हुआ था। 200 पॉइंट का उछाल था नैसडैक में, जो हम डाइजेस्ट करके गए थे US मार्केट्स में। मोटा मोटी उसी तरह के एटलीस्ट भाव के लिहाज से एक्शन देखने को मिले हैं। हाँ, डॉलर इंडेक्स अभी भी चिंताजनक जोन में है, बॉन्ड यील्ड्स वापस उछल रही हैं, FIIs की तरफ से बिकवाली हो रही है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत। लेकिन SGX निफ्टी दिखा रहा है एक्सपायरी के दिन शुरुआत तो बढ़िया नोट पे होगी। 3/4% के उछाल के साथ 100 पॉइंट से ज्यादा की तेजी के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। ऐसे में नीरज जी क्या क्यूज है? और वो इंफ्रा पैकेज आ गया, इंफ्रा पैकेज आ गया है और काफी बड़ा है साइज में। हाँ, $2.25 trillion का है। बहुत पैसा खर्च होगा अमरीका में, अगेन अमेरिका में सब स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जिसको कहते हैं वो होगी, तो बहुत बड़ा साइज है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्लीन वाटर, क्लीन एनर्जी, एम्प्लॉयमेंट, SME, इन सब चीज़ों में खर्च होगा, तो ग्रोथ के लिए बहुत पॉजिटिव है। क्वार्टरली ग्रोथ भी बहुत इम्प्रूव होकर आती हुई दिख रही है, तो उसका फ़ायदा अमरीकी इकोनॉमी को होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में होगा। अब इतना पैसा कहाँ से जुगाड़ा जाएगा? तो इस पैसे की जुगाड़ करने के लिए ये भी प्रस्ताव रखा गया है कि कॉरपोरेट टैक्स जो अभी 21% है उसको बढ़ा के 28 कर दिया जाए। अब इन सब पे चर्चा होगी सदन में, दोनों ही जगहों में, सीनेट पे और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, और वहाँ से पास होने के बाद ये इम्प्लीमेंट होगा। तो बाजार ने इसको डाइजेस्ट दो तरीके से किया। एक तो ये लॉन्ग टर्म है, 8 साल में ये योजना कार्यभूत होगी, तो उसकी वजह से इमीडिएटली बहुत ज़्यादा नीजर्क रिएक्शन नहीं आया। दूसरा, पैसा बहुत ज़्यादा, तरलता बढ़ी हुई है मार्केट में, तो नीजर रिएक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट बहुत इससे खुश नहीं हुआ। थोड़ा थोड़ा देखिए आप, जो मेन इंडाइसेस हैं उसमें गिरावट आई। नैसडेक केवल चलता हुआ दिखा IT, क्योंकि IT बहुत दिनों से गिर रहा था, तो वहाँ पे एक स्प्रिंग बैक तेज़ी देखने को मिली। और इस पूरे पैकेज के ऐलान में बड़ा हिस्सा इनके पास आएगा, टेक्नोलॉजी कंपनीज, तो इसलिए उनको थोड़ा सा फ़ायदा इसमें दिखा। लेकिन हमेशा की तरह बॉन्ड यील्ड गुस्सा हो गया और वो 1.75 के ऊपर चला गया, क्योंकि उसको पता है कि इतना पैसा जब खर्च हो रहा है तो इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ेगा, तो वो एक थोड़ी सी चिंता आप कह सकते हैं। कच्चे तेल का हाल थोड़ा सा नरम है, $2 नीचे आया है, क्योंकि OPEC ने अपना अनुमान घटा दिया है डिमांड का। उनको लग रहा है कि जो इतना पैंडेमिक चक्कर में बहुत ज़्यादा डिमांड दिखेगी नहीं, तो अब ये बड़ा चैलेंज है कि जब आप अपना डिमांड का अनुमान घटा रहे हैं उस समय क्या प्रोडक्शन आप बढ़ाएंगे? इम्पॉसिबल है। मुझे नहीं लगता कि आज की बैठक में प्रोडक्शन बढ़ाने की तरफ कोई फैसला होगा। या तो स्टेटस को होगा या कट भी कर सकते हैं वो। ये उनको अभी इतना भयानक नुकसान हुआ सऊदी अरामको को, अरे तो वो भरपाई कैसे होगी? तो फिंगर्स क्रॉस, देखते हैं शाम को क्या फैसला था। मेरा अनुमान है कि स्टेटस को या कट, उस परिस्थिति में क्रूड फिर से बाउंस करता हुआ दिखेगा। तो हमें इस पिच में खेलना है। क्या किया आपने? फूफा और जीजा पे नजर है, डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड तो वही दोनों जो है ना नाराज बैठे हैं थोड़े से, इन पे नजर बना के रखेंगे। लेकिन मन खरीदारी का है, खरीदारी पूरे 10 के 10 बल्लेबाज हैं। शुरुआत कर देता हूं कल का ओपनर, आज फिर रिपीट कर रहा हूं। कल मैंने मेंशन करा था ओपनर के तौर पे ल्यूपिन का स्टॉक, तो फार्मा एज अ स्पेस अट्रैक्टिव है। कल ल्यूपिन में अच्छा खरीदारी देखने को मिली, मुझे लगता है और भी अच्छे अपमूव शायद स्टॉक डिलीवर करता हुआ नजर आएगा। कन्विक्शन था इसीलिए आज फिर रिपीट कर रहा हूं। जैसे कि लिंडे को लेकर था, पहले नहीं चला, इवेंचुअली कल आपने नोटिस करा होगा 4-5% का मूव लिंडे इंडिया ने दे ही दिया। ल्यूपिन में कल भी अच्छी तेजी थी, कल मैंने मेंशन करा था कि LIC ने ऑलमोस्ट 1.5 लाख शेयर्स खुले बजार से खरीदे हैं, और वैसे भी ये स्टॉक ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है, अच्छे जोन से, और हेल्थ केयर एज अ स्पेस, फार्मास्यूटिकल एज अ स्पेस, वो रडार पे आएगी स्ट्रीट्स की। कल हुआ ऐसा। अब दूसरी और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आ गया है, HDFC म्यूचुअल फंड ने भी 3,80,000 शेयर्स, 3,79,000 टू बी प्रिसाइज, कल शेयर्स एक्वायर करें। उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाकर 5% के पार ले गए। तो पहले LIC ने अपडेट दिया कि 5% के ऊपर होल्डिंग चली गई है, अब HDFC म्यूचुअल फंड ने, तो मार्की इन्वेस्टर्स अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। अच्छी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है, ल्यूपिन को अभी भी रडार पर रखना है। 1,040 तक के कंजर्वेटिव टारगेट्स होपफुली आज अचीव होने चाहिए इस स्टॉक में।
फार्मास्यूटिकल एक और मेजर आपकी स्क्रीन पर आएगी, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। मेरे ख्याल से कल नीरज जी की टीम का हिस्सा था, कल एससीसी मतलब यूएस वाला नहीं, ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी की जो बैठक हो रही थी इंडिया में वैक्सीनेशन को अप्रूवल्स को लेकर जो बैठक हो रही है, कल वो बैठक टल गई। मैं उस समय शो कर रहा था जब वो खबर आई कि बैठक टाल दी गई है और अब वो कल होगी, यानी कि आज कल की जगह आज जो बैठक स्केड्यूल्ड है। उसके बावजूद इनिशियल हिकअप के बाद स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा था, डॉक्टर रेड्डीज चलने की तैयारी कर रहा है, 5500 के शायद साल के हाईज, वहां से करेक्ट होकर लेवल्स के आसपास खड़ा हुआ है। मुझे लगता है इवेंचुअली स्ट्रेंथ आएगी, उस पे सोने पे सुहागा अगर स्पुतनिक वी को अप्रूवल मिल जाता है तो एक सेंटिमेंट पॉजिटिव एक किकर के तौर पे एक्ट कर सकता है। लेकिन ल्यूपिन की तरह डॉक्टर रेड्डीज भी इंटरेस्टिंग जोन्स पर है, मुझे लगता है अच्छे मीनिंगफुल अपसाइड देने चाहिए। तो यहाँ पे टारगेट्स आप लोग की स्क्रीन पर है, थोड़े से अग्रेसिव नजर आएंगे आपको ये इवेंचुअली। आज के लिए मैं मानता हूं 575, ज्यादा से ज्यादा 4600 तक के जोन के लिए अप्रोच करने के मौके होंगे। तो दो फार्मा दिग्गजों के साथ शुरुआत, खरीदारी मॉइल के साथ होगी। मॉइल ने अपने कई ग्रेड्स के जो दाम है ओर के वो बढ़ा दिए हैं और ये 5% की बढ़त की गई है 1 अप्रैल से, यानी आज से हो गई है। तो हालांकि ये बहुत सारी कंपनियों के लिए दिक्कत है, लोग दाम बढ़ा रहे हैं गाड़ियाँ अपनी, लेकिन आयरन ओर और दूसरे जो ओर्स हैं उनकी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी डिमांड पुश की तरफ इशारा करती है। और साथ ही ये बता रही, जैसे मैंने आपसे कहा कि कमोडिटी साइकिल एक तगड़े बुल रन में चल रहा है, इसीलिए रह रहे कि आपको तेज़ी देखने को मिलती है। तो मॉइल में हमें लगता है कि ट्रेडिंग के लिहाज से 5-10 रुपये ऊपर का टारगेट लेते हुए 160 का लक्ष्य बनाना चाहिए। रोसारी बायो, ये हाल में एक कंपनी लिस्ट हुई थी और लिस्टिंग के बाद इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए थे। अब इसमें खबर ये आ रही है कि इन्होंने एक स्पेशलिटी केमिकल का एक प्लांट लगाया था दहेज में, उसकी सारी यूनिट्स ऑपरेशनल कर दी हैं इन्होंने। ये एक अच्छी खबर है कंपनी के लिहाज से, वॉल्यूम तो बढ़ता हुआ दिखेगा और आपको टॉप लाइन में काफ़ी इम्पैक्ट दिखेगा। केमिकल स्टॉक्स वैसे भी रडार में, और मैं लगता है इस तरह की खबरें जब भी आती हैं स्टॉक में एक मोमेंटम देखने को मिलता है। तो ये जो R&D ऑटोमेशन सब कुछ इनका ऑपरेशनल है उस यूनिट में अब हो गया है, तो 1060 का टारगेट लेते हुए इसमें खरीदारी कर सकते हैं। ओके, तो इंटरेस्टिंग, फार्मा बात करी थी, अब केमिकल्स फोकस में रडार पे देखिए सामने स्टॉक्स आते हुए, ये फार्मा हेल्थ केयर केमिकल इसी स्पेस पे थोड़ा सा फोकस है। अगली कंपनी फार्मास्यूटिकल स्पेस से शिल्पा मेडिकेयर, अब ये स्टॉक जितनी तेजी से चला था उतनी तेजी से करेक्ट हुआ है, तो साल के हाईज ऑलमोस्ट 700 के बने थे, उसके बाद देखिए अब ये आधा हो गया अपने साल के हाईज के आसपास, एक इंटरेस्टिंग जंक्चर पे खड़ा हुआ है। मेक और ब्रेक लेवल्स हो सकते हैं शिल्पा मेडिकेयर के लिहाज से, तो इसीलिए स्टॉप लॉसेस बहुत क्लियरली वॉच आउट करिएगा। कल वैसे एक खबर भी आई थी लेने का रीजन बन गया, कल इन्होंने अपनी घोषणा करी कि ऑस्ट्रिया की सब्सिडियरी जो होली ओन सब्सिडियरी है स्टेप डाउन, उससे एग्जिट कर रहे हैं 3.3 मिलियन यूरो। अमाउंट क्वांटम तो बहुत छोटा सा है, पर वो खबर आई इसलिए मैंने मेंशन भी करा, पर क्योंकि फार्मास्यूटिकल स्पेस पे फोकस था, इंटरेस्टिंग जंक्चर पे खड़ी हुई है, आज शायद फार्मास्यूटिकल शायद हेल्थ केयर फिर से कुछ आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो 345 के टारगेट्स चलता है तो बहुत तेजी से चलता है, लेकिन स्टॉप लॉसेस बीटा वाला है तो स्टॉप लॉस भी बहुत ध्यान रखना है आपको, 331 कल के क्लोजिंग बेसिस पर, आप ओपनिंग के बाद अपने हिसाब से स्टॉप लॉस को ध्यान रखिएगा। नेशनल ऑक्सीजन, जैसे हमने वो राइड करा था सयाजी होटल्स को ट्रेड टू ट्रेड में भी कई दिनों तक, इसीलिए क्योंकि मैंने पहले दिन ही कहा था जब मैं ले रहा हूं तो अगले कई दिनों तक शायद इस टीम में शुमार होगा, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं आज फिर। अब तो मेरे ख्याल से पहली बार जिन्होंने लिया होगा उनके लिए एग्जिट भी मिल रहा होगा, अच्छे खासे मीनिंगफुल अपसाइड आ चुके हैं और आपके लिए वो अब एग्जिट खोल चुका है, लेकिन अभी भी इसमें एंट्री पाने के मौके हो सकते हैं। लेकिन अब हम लोग क्योंकि राइड कर रहे थे इस रैली को, अब हम लोग स्टॉप लॉसेस को रिविजिट करते रहेंगे, आज भी ट्रेल करेंगे स्टॉप लॉस, एंट्री अगर मिली 39 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करिए। नेशनल ऑक्सीजन, क्योंकि मैंने लिंडे और नेशनल ऑक्सीजन दोनों के साथ में मेंशन करा था, लिंडे में कल बहुत सिग्निफिकेंट मूव आया, तो हो सकता वो स्टॉक अभी भी सबसे ज्यादा पसंद आता है स्पेस में, कोई शक नहीं उसमें, लेकिन नॉट नेसेसरली कल के उस मूव के बाद फिर से फर्दर अप मूव आज ही देखने को मिले, से लिंडे नहीं लिया आज, नेशनल ऑक्सीजन लेकिन जरूर मेंशन कर रहा हूं। और पांचवा स्टॉक भी यही बता देता हूं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, ये स्टॉक 1450-1450 के जोन से करेक्ट हुआ है, 1000 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो एक तिहाई करेक्शन के साथ अवेलेबल है। अब सरकारी कंपनी वो डिविडेंड वगैरह सब डोल आउट हो गया, अब वो सब स्टोरीज पीछे हैं, पर अब सरकारी कंपनीज में परफॉर्मर्स की बारी, और ये कंपनी गजब का परफॉर्मेंस डिलीवर कर रही है। पैंडेमिक के साल में भी
इस कंपनी ने 6% साल दर साल रेवेन्यूज में उछाल घोषित करा है, 22,700 करोड़। अब ये हालांकि प्रोविजनल अनऑडिटेड नंबर्स हैं, कई सारी कंपनीज आपको एक झलक दे देती हैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं वो। अब ऑडिटेड नंबर्स जब आएंगे तब वो क्वार्टरली नंबर्स आएंगे या फाइनेंशियल ईयर के नंबर्स आएंगे, लेकिन ये कंपनी कह रही है कि अच्छे रेवेन्यू ट्रैक्शन हुआ है। इनफैक्ट ऑर्डर बुक 80,000 करोड़ रुपए, अभी वो बीच में एक बहुत तगड़ा ऑर्डर मिला था HAL को, आपको याद होगा, उसके बाद 80,000 करोड़ रुपीज प्लस की ऑर्डर बुक है। बढ़िया परफॉर्म करके दे रहा है HAL, सरकार की स्कीम्स का भरपूर फायदा हो रहा है और अपने स्पेस में बड़ी डोमिनेंट पोजीशन रखती है कंपनी। मुझे लगता है लड़ाप रखे, आई डोंट नो आज चलेगा नहीं चलेगा, भारी सरकारी कंपनी है, मूड फ्लेवर कैसा रहता है, लेकिन अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स हैं एक्युमुलेशन के भी। हम सिर्फ आज के ट्रेडिंग की बात करेंगे, 985 के स्टॉप के साथ 1020 के लक्ष्य। तीसरा स्टॉक है मेरा वर्धमान टेक्सटाइल्स, और इसमें काफ़ी अच्छा डेटा बन के आ रहा है, काफ़ी बाइंग इसमें देखने को मिल रही है। कल के इस वीक मार्केट में भी आप देखें तो अच्छा इंटरेस्ट उसमें देखने को मिला था, काफ़ी लोगों ने खरीदारी की। मुझे लगता है कि इसमें अभी ट्रेंड फॉलो करना चाहिए। एजिस लॉजिस्टिक्स में भी कल बिल्कुल वैसा ही डेटा और चार्ट का स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर भी खूब सारी डिलीवरीज ली लोगों ने, लॉन्ग टर्म की इसमें बाइंग दिखती हुई लग रही है। तो मुझे लगता है इन दोनों ही स्टॉक्स में फोकस करना चाहिए, अच्छा मोमेंटम यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। पांचवा स्टॉक है मेरा बाटा, और डिपेंडेबल भी इसी समय देख लीजिए क्योंकि दोनों को एक ही थीम पे लिया, और वो है कॉलगेट। दो ये दोनों कंपनियों को अगर आप देखें तो पिछले एक 8-10 दिन का जो इनका पैटर्न बन रहा अच्छा कंसोलिडेशन है, और यहाँ से भी बड़े मोमेंटम की तैयारी इसलिए दिख रही है कि जो लोग चार्ट देखते हैं वो उसमें जाके देखें, एक बढ़िया पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। कल के मार्केट में भी थोड़ा थोड़ा ये ऊपर थे और अच्छी खासी इसमें बाइंग दोनों स्टॉक्स में देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि इन स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए, टारगेट काफ़ी ऊंचा हमने दिया है इसलिए क्योंकि मुझे लगता है डिपेंडेबल के तौर पर कॉलगेट ले सकते हैं, और बाटा में भी खरीदारी करके चलिए क्योंकि ये क्वार्टर के जो नंबर्स आने वाले हैं Q4 के दोनों ही कंपनियों के, आप देखिएगा ज़बरदस्त नंबर होंगे, तो नतीजों से पहले अब हम आपको अलर्ट कर रहे हैं कि आपको इन स्टॉक्स में ध्यान रखना चाहिए। तो बाटा खरीदारी करके चले और कॉलगेट, इन दोनों स्टॉक्स की चार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको 12:30 का शो देखना है। वाह, ये दोनों नॉन परफॉर्मर्स रहे FY21 के, इन्होंने बनाया था हमको, लेकिन क्या अब इनमें खेला होबे? तो इसी तरह के स्टॉक्स पे बातचीत होनी है कि जो बहुत अट्रैक्टिव बढ़िया जानी मानी कंपनीज परफॉर्म करके नहीं दिया पिछले फाइनेंशियल ईयर में, क्या FY22 के लिए टॉप परफॉर्मर्स बन सकते हैं, क्या उन स्टॉक्स पे दाव लगाना है? तो वो टीजर भी डायरेक्टर साहिबा ने आपको आपकी स्क्रीन पे दे दिया है। डिपेंडेबल के तौर पे है CMEC। मैं कई दिनों से प्रमोटर्स की बाइंग पे फोकस कर रहा था, कल बहुत मीनिंगफुल प्रमोटर्स की बाइंग के आंकड़े नजर नहीं आए मुझे, लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनके अपडेट सामने आए। CMEC में दरअसल कल लार्ज ट्रेड में, कल के ट्रेडिंग सेशन में, नोमुरा सिंगापुर ने 1,60,000 शेयर्स खरीदे हैं। तो बड़ा दिग्गज फंड इन लेवल्स पे एंट्री पाता हुआ, इसके हाई साल के 550 के लेवल्स के थे, तो 100-125 रुपए उन हाई से करेक्ट होके अब नोमुरा सिंगापुर इस समय एंट्री पाने के बाद चुका है। मुझे लगता है स्टॉक को रेडाप रखेंगे 460 तक के लेवल्स के लिए, इस पे डिपेंडेबल इसीलिए कि बड़े मार्की इन्वेस्टर्स जब चेक इन कर रहे हैं थोड़ा भरोसा और बढ़ जाता है, इसीलिए खरीदारी करने का मौका। लेवल्स आप लोग की स्क्रीन्स पर नोट डाउन करिएगा, इस नोट पर एक काम कर रहा हूँ, छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पर हम दोनों की टीम्स के अगले दो स्टॉक्स यानी कि वो हमारे फ्री हिट और पिंच हिटर्स। स्वागत है एक बार आपका फिर से, और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर की। फ्री हिट पे एक कंपनी है छोटी सी एक्रिसिल, इसको लिया है। एक्रिसिल ने आइकिया के साथ एक करार किया है, जो सिंक होती है किचन सिंक क्वाड्स की होती है, उसको ये आइकिया के जरिए बेचेंगे और ग्लोबली। वैसे एक्रिसिल जो है इंडिया और एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो क्वाड सिंक बनाती है, जो किचन में आपका सिंक यूज होता है वो क्वाड्स, एक विशेष तरीके का मटेरियल होता है जो सिलिकॉन कंपाउंड से बनाया जाता है, और वो थोड़ा कॉस्टली होता है नॉर्मल जो स्टील या एल्युमिनियम की सिंक होती है उसके जरिए, लेकिन स्क्रैच फ्री, रस्ट फ्री, तमाम इसकी खूबियाँ हैं। इसलिए जब आधुनिक किचन बन रहे हैं, अगर आप थोड़ा महंगा किचन बनवा रहे हैं तो क्वाड्स के सिंक लगवाए जाते हैं, ये बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। और आइकिया के थ्रू अगर ये बेच रहे हैं तो आइकिया वर्ल्ड लीडर है किचन के मामले में, फर्नीचर के मामले में, तो ये एक बहुत बड़ा टाई अप इनके लिए, क्योंकि कंपनी का साइज बहुत छोटा है और इनकी इतनी रीच नहीं है कि अपने आप को एक्सपेंड कर पाएं या वॉल्यूम जनरेट कर पाएं, जो कि शायद अब होगा आइकिया के जरिए। तो मुझे लगता है स्टॉक पे ध्यान रखना चाहिए,
वैसे भी आजकल प्रीमियम प्रोडक्ट की जो मार्केट है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो एक्रिसिल को इसी ले लिया है और ऑन मोबाइल लिया है। पिंच हिटर में एक चिंगारी, आपके पास है चिंगारी? नहीं मतलब, अरे टिकटॉक बंद हुआ था, चिंगारी लगाना नहीं, 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 नहीं। ये जो वीडियो ऐप है, तो चिंगारी में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और उसको बहुत आगे ले जाने की इनकी योजना है। तो अभी जो उनके बहुत कम है, इन्होंने करीब 1.5 करोड़ डॉलर उसमें इन्वेस्ट किया है। अभी जो उनकी 56 मिलियन के आसपास है, ये उसको जो है 100 मिलियन तक उसके सब्सक्राइबर ले जाना चाहते हैं। तो वाया चिंगारी ऑन मोबाइल अपने आप को एक्सपेंड करता हुआ दिख रहा है और उसके लिए ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएंगे। ये एक अच्छा टाई अप ऑन मोबाइल के लिहाज से बनता हुआ दिख रहा है। 94 के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी कर सकते हैं। दोनों स्टॉक्स पे बढ़िया खबरें। अच्छा, डिपेंडेबल के तौर पे सीमेक लिया था क्योंकि नोमुरा सिंगापुर ने 1,60,000 शेयर खरीदे थे। फ्रीड के तौर पे वेरॉक इंजीनियरिंग, यहां पे निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने 56.5 लाख शेयर्स, यानी कि 3.7% इक्विटी जो है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए, ओपन मार्केट के जरिए ली है इस कंपनी की। स्टेक अब 2% ऑलरेडी था निपॉन के पास, एमएफ के पास, और वो बढ़ाकर 5.7% स्टेक ले गए। इस तरह से एग्रेसिवली यहाँ पे स्टेक बढ़ाया गया और वेरॉक वो स्टॉक है, चला है लोअर लेवल से, कोई शक नहीं, 499 ऑलमोस्ट 500 रुपए के साल के हाई, वहां से करेक्ट हुआ था। तो नोमुरा में वहां पे बाइंग करी, निपॉन एमएफ यहां पे बाइंग कर रहा है, इसीलिए इन दोनों को आज डिपेंडेबल ऑफ फ्री हिट का दर्जा दिया है। रोटो पंप्स को डाप रखिएगा, बोर्ड मीट कल स्केड्यूल थी, उसका आउटकम आ गया, कल भी स्टॉक टीम में लिया था और मेरे ख्याल से एकदम फ्लैट लाइन पे जाके बंद हुआ, ना तेजी हुई ना मंदी हुई। आउटकम आ गया है बोर्ड मीट का, पहली बात ₹1.40 का डिविडेंड देगी, ठीक बात। उसके बाद इंटरेस्टिंग है, 2.5 लाख कंपल्सरी कन्वर्टेबल वारंट्स प्रेफरेंशियल बेसिस पे प्रमोटर्स को दिए जाएंगे और ये कंपनी नए 2 बिजनेसेस में एंट्री करने का मन बना चुकी है। उसके लिए कल बोर्ड की मंजूरी आ गई है, डाउनहोल पंप्स के लिए और सोलर पंपिंग सिस्टम्स के धंधे में भी रोटो पंप्स उतरने की तैयारी कर रही है। 145 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। क्विकली छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार हम दोनों की टीम्स के बचे हुए 2 स्टॉक्स यानी कि पावर प्लेस, कैप्टन्स चॉइस और टीम्स के क्विक रैपअप भी। स्वागत एक बार फिर से आपका और आखिरी के 2 स्टॉक्स, लेकिन ये सेल साइड के हैं, मतलब थोड़ा सा इसमें रखना चाहिए बैलेंस करने के लिए। इंडस टावर और पावर ग्रिड दोनों स्टॉक्स में कल आप देखिए गिरावट देखने को मिली थी और ये अंदाज़ा लग रहा है कि इसमें थोड़ी और सेलिंग आ सकती है, क्योंकि मार्केट अगर हल्का सा भी नीचे की तरफ घूमता हुआ दिखेगा तो ये दोनों स्टॉक्स आपको और नीचे जाते हुए दिखें, क्योंकि कल इसमें अच्छे वॉल्यूम के साथ तेज गिरावट देखने को मिली। तो मैं लगता है इंडस टावर में बेच के चलिए और साथ ही साथ जो अगला स्टॉक है पावर ग्रिड, वहां पे भी बेच के चलना चाहिए। ओके, 2 और स्टॉक्स खबरों वाले। रुचिरा पेपर्स, इसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अलॉटमेंट कमेटी की बैठक है 5 अप्रैल को, आज एक हो गया, 3 दिन की छुट्टी, तो मेरे ख्याल से अगले हफ्ते की शुरुआत में ये बोर्ड मीट स्केड्यूल्ड है, जिसमें जो 28,80,000 शेयर वारंट्स थे उसको इक्विटीज में प्रमोटर ग्रुप को ही दिए गए थे प्रेफरेंशियल बेसिस पर, उसको इक्विटी में तब्दील कर रहे हैं। प्रमोटर का स्टेक मैसिवली बढ़ता हुआ नजर आएगा। रुचिरा पेपर्स को इसलिए रेड आप रखेंगे, ट्रेडिंग वाला स्टॉक है, 62.25 के स्टॉप लॉस से ध्यान रखिएगा। इंडियन ओवरसीज बैंक, ये खबर आ गई थी बाजार में, 15,500 करोड़ रुपए का फंड इन्फ्यूजन, सेलेक्टिवली कौन से बैंक को कितना जाएगा सब आ चुका है, पर उसके बाद बाकी सरकारी बैंक चले थे, जिनके लिए खबर आई थी वो नहीं चले थे, तो फ्लैट था इंडियन ओवरसीज बैंक। कैपिटल इन्फ्यूजन हुआ है 4,100 करोड़ रुपए का। कुछ दिन पहले स्टॉक को तब भी मेंशन करा था, तब कहा था कि 2 क्वार्टर्स से प्रॉफिट कर रहा है, कैपिटल इन्फ्यूजन हुआ तो हो सकता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के बाहर आ जाए, तो आप रखिएगा, हरकत में आ सकता है। सरकारी बैंक्स में से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही अप्रोच करना है, तो पौने 16 के स्टॉप के साथ देखते हैं किस तरह का पोटेंशियल अपसाइड दिखाता है स्टॉक दिन के दौरान। मेरी 10 की टीम पूरी हो चुकी है, 10 के 10 पहले बाद। नीरज जी, कुछ पसंद आ रहा है क्या? HL जो उसने अपने अनुमान दिए हैं नतीजों से पहले के, वो बहुत बेहतर, और ऑर्डर बुक तो बड़ी ज़बरदस्त है, 80,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, इसको एग्जीक्यूट करते रहेंगे तो 5 साल ऐसे निकल जाएंगे और इस बीच में बहुत सारे ऑर्डर मिलेंगे। तो लगता है HL
बहुत बढ़िया स्टॉक है और यहाँ पे ध्यान जरूर रखना चाहिए। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। कई सारे स्टॉक, उसमें खासतौर पे वो फ्री हेड, वो पिंच हिटर, बढ़िया खबरें उन उन एक्रेसिल और ऑन मोबाइल ग्लोबल के लिए आज से। लेकिन अगर चुनना है तो बाटा इंडिया, अरे बढ़िया पेडिग्री की कंपनी, नॉन परफॉर्मर रहा इस मार्केट की रैली में। तो FY22 का जब आगाज हो रहा है तो कन्विक्शन इस तरह के स्टॉक्स में है जिनमें एंट्री करके शायद अगर FY22 में और फर्दर अपसाइड आने तो इस तरह की कंफर्ट पोजीशंस लेने के अच्छे मौके हो सकते हैं। मुझे इसीलिए लगता है बाटा अच्छा स्टॉक हो सकता है। अब आज कितना चलेगा, ये टारगेट्स आएंगे या कल तक आएंगे, पर अच्छा लेवल है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, इसीलिए बाटा पसंद आता है। क्विकली मेरी कैप्टन जो मैं टीम रैप अप कर दूं फटाफट। हाँ बिल्कुल, चलिए तो क्विकली मेरी 10 की टीम आप लोग की स्क्रीन्स पर आएगी। 10 के 10 बल्लेबाज हैं और शुरुआत करी थी दो फार्मास्यूटिकल मेजर्स के साथ। कल सुबह भी टीम के ओपनर के तौर पे ल्यूपिन था, तब मैंने कहा था LIC ने अच्छी खरीदारी करी है स्टॉक पे, अच्छा मूव आया था स्टॉक में और ल्यूपिन वैसे भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है। अब खबर आ रही है HDFC म्यूचुअल फंड ने भी स्टेक बढ़ा के 5% के थ्रेशोल्ड के बियॉन्ड ले गया है, तो खरीदारी ल्यूपिन में एग्रेसिवली बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े इंस्टीट्यूशंस की हो रही है, रडार पर रखेंगे इसको। डॉक्टर रेड्डीज लाइकवाइज उतना ही स्वीट स्पॉट पे नजर आता है, 5500 के हाई से 4500 पे बैठा हुआ स्टॉक, अट्रैक्टिव लेवल्स हैं। फार्मास्यूटिकल आज शायद फोकस में रहे और इसके लिए वो जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक कल स्केड्यूल थी वो टल के आज हो गई। वो टलने की खबर के बावजूद भी आपने नोटिस करा कल स्टॉक में स्ट्रेंथ आ रही थी, मुझे लगता है ये अच्छा मूव देगा। शिल्पा मेडिकेयर खबरें थी, हालांकि छोटी सी ऑस्ट्रिया में इनका यूनिट आर्म होली ओन सब्सिडियरी जो है स्टेप डाउन, बेच दिया उसको, लेकिन ये स्टॉक अपने हाई से ऑलमोस्ट 50% करेक्ट होकर खड़ा हुआ और शायद इंटरेस्टिंग जंक्चर पे मेक और ब्रेक होगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इसको अप्रोच करेंगे। नेशनल ऑक्सीजन एज प्रॉमिस कि इस हफ्ते स्टॉक को रोज रडार पर रखूंगा, वैसे ही हुआ, अच्छे मूव्स आए, इसको आज भी खरीदारी करने का कॉल, लेकिन अब जरा स्मार्टली ट्रेड करेंगे स्टॉप लॉस को, थोड़ा सा कॉशियसली अप्रोच करेंगे, अच्छा मूव दे चुका है ऑलरेडी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने अपनी अनऑडिटेड नंबर्स हाईलाइट करें, प्रोविजनल नंबर्स हैं और नंबर्स में बहुत अच्छा, पैंडेमिक के साल में भी 6% रेवेन्यू में ग्रोथ की बात कर रहे हैं, 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की स्वेलिंग ऑर्डर बुक है, अच्छा वो अब रिटेल नंबर्स आएंगे जब ऑडिटेड नंबर्स ये कंपनी पेश करेगी, लेकिन जो झलक मिली है अच्छी है। स्टॉक 1400-1500 के हाई से करेक्ट होके आया है, डिपेंडेबल के तौर पे था आज सीमेक, जहां पे नोमुरा सिंगापुर ने अच्छी खासी बाइंग करी है। कल के ट्रेडिंग सेशन में वेरॉक इंजीनियरिंग में जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ था उसमें निपॉन म्यूचुअल फंड ने बहुत एग्रेसिवली स्टॉक में खरीदारी करी है, इसीलिए इसको रडार पर रख रहे हैं, ये भी 499 के हाई से करेक्ट होकर ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। रोटो पंप्स कल भी मेंशन कर रहा था, कल एकदम फ्लैट लाइन पे बंद हुआ, ना तेजी ना मंदी हुई, खबर अच्छी आई है बोर्ड मीट का अनाउंसमेंट, डिविडेंड घोषणा, प्रमोटर्स को कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स जारी है या वारंट जारी करेंगे, नए दो बिजनेसेस में एंट्री करने की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी खबरें, रडार पर रखेंगे। रुचिरा पेपर्स जो एग्रेसिव प्रमोटर्स को वारंट दिए गए थे उनके कन्वर्जन की तैयारी, 5 तारीख को बोर्ड मीट शेड्यूल्ड। और लास्ट में एक सरकारी बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक, वो सरकार का फंड इन्फ्यूजन स्टॉक कल एकदम फ्लैट बंद हुआ, हो सकता है आज अच्छे मूव्स दिखाए, तो स्टिक स्टॉप लॉस के साथ सिर्फ ट्रेडिंग का मान इस काउंटर में। चलिए खरीदारी पे ही फोकस ज्यादातर है, लेकिन दो स्टॉक्स सेल साइड के भी है, लेकिन खरीदारी पे फोकस ले क्योंकि बहुत सारी स्टॉक्स में खबरें हैं। मॉयल ने अपने दाम बढ़ा दिए ओर्स के 5%, तो इसके लिए रखा है। रुसारी बायो ने अपने दहेज प्लांट को फुली ऑपरेशनल कर दिया है, तो एक अच्छी खबर है। वर्धमान और एजिस लॉजिस्टिक्स में तगड़ी खरीदारी हुई है, डिलीवरी काफ़ी हुई है, तो इसलिए फोकस है। बाटा और कॉलगेट को इसलिए लिया क्योंकि इनका टेक्निकल स्ट्रक्चर लंबे कंसोलिडेशन के बाद अब एक तेज़ी के संकेत यहाँ पर साफ दिखाई दे रहे हैं। फ्यूचर्स का डेटा भी आप देखेंगे तो वैसे ही नज़ारा यहाँ पर मिल रहा है। एक्रिसिल का आइकिया के साथ करार हुआ है अपने क्वाड सिंग बेचने के लिए, और ऑन मोबाइल ग्लोबल ने चिंगारी में $125 करोड़ लगाए हैं और ये उम्मीद है उनको कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए वो अपनी भी ग्रोथ करेंगे और चिंगारी की भी होगी। लेकिन अंत में दो स्टॉक इंडस टावर और पावर ग्रिड में बेच के चलिए, स्टॉक बहुत वीक दिख रहे हैं, कल के मार्केट में भी अच्छी पिटाई इनकी हुई थी, तो मैं लगता है कि ये सिलसिला भी थोड़ा और जारी रह सकता है। चिंगारी से आग लगाने की तैयारी, चिंगारी से आग लगेगी।